कौशाम्बी जिले में एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। किशोरी की हालत बिगड़ने पर परिजन उसका इलाज कराने के लिए उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही किशोरी ने दम तोड़ दिया। आरोप ये है कि पड़ोस के ही युवक ने उसके साथ रेप किया और बाद में जबरन उसे जहर पिला दिया। मृतका के भाई ने अपने शिकायत पत्र में बताया है कि परिवार के लोग और रिश्तेदार शादी में गए थे, जिस बीच आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। सर, मेरे घर वाले कोई नहीं थे, सब लोग दावत खाने चले गए। मैं ठेला भी वो चाट फुल्की की ठेला लगाता हूँ, मैं फुल्की चाट लेके जाएगा ठेला। उस 7:30 बजे वहाँ से आया तो मेरी आवाज़ सुन के दूसरे वाले घर में ही दोनों लोग थे। उसके बाद मेरी आवाज़ सुन के ये भाग गए और इस बलात्कार के भाग गए। उसके बाद मैंने पीछे पीछे गया तो भाग गए।